महाराष्ट्र मी सुषमा बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। बातम्या सविस्तर पाहूयात। मिझोरामच्या राज्यपाल कमलाबेनी वाल यांना राज्यपाल पदावरून बडतर्फ करण्यात आलंय। या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं स्पष्टीकरण देण्याची मागणी काँग्रेसनं केली आहे। कमलाबेनी वाल यांची गेल्या महिन्यातच गुजरातच्या राज्यपाल पदावरून बदली करत मिझोरामच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती। त्यांचा कार्यकाल आणखी 2 महिने शिल्लक असतानाच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलंय। राष्ट्रपती भवनातून बुधवारी रात्री बेनीवाल यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलाय। बेनीवाल गुजरातच्या राज्यपाल असताना लोकायुक्त नियुक्तीवरून त्यांचे मोदी यांच्या सरकारशी वाद झाले होते। दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग, अरुण जेटली आणि रविप्रसाद शंकर यांच्यामध्ये बैठक सुरू असून बेनीवाल यांच्यावर चर्चा करण्यात येते। मोदीजीने ये लोकायुक्त अपॉइंटमेंट न हो उसके लिए सरकारी ट्रेजरी में से 45 करोड़ रुपीस सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पीछे खर्च किया तो भी ये एक्शन बाहर आया। इसकी जो ये एक्शन है मोदी जी को अच्छा नहीं लगता था। वो उस समय तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन आने के बाद तुरंत ही कमला जी की ट्रांसफर कर दी गई। राष्ट्रपति को ये इस बात का अधिकार है किसी भी गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं और जिस प्रकार की उनके बारे में जो शिकायतें आई थी कि उन्होंने अपने टेन्योर में जो उन्होंने ट्रैवलिंग किया था वो जो एक लिमिट से ज़्यादा किया था और जिसकी वजह से राष्ट्रपति को ये कदम शायद उठाना पड़ा जो मैंने अखबारों में पढ़ा है। तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है, वो चाहे तो किसी भी गवर्नर को रिमूव कर सकता है। द एक्शन अगेंस्ट मिजोरम गवर्नर इज पर इज No violation against the Supreme Court's earlier judgment. Action is taken within the rules, within the Constitution, and there is no politics involved in this. There are serious allegations. The government have taken note of them. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये काल 2 अत्यंत महत्वाचे